में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइज, आज का थंबनेल देख के और टाइटल देख के आप लोग समझ गए होंगे कि आज का वीडियो किस पर्पस के लिए है। सो आज मैं बहुत ही खुश हूँ और बहुत ही एक्साइटेड हूँ। मैंने ये अपने पैसों से खरीदी हूँ और ये जो चीज़ है तो आज तक की ये सबसे ह्यूज अमाउंट की चीज़ है जो मैंने अपने पैसों से लिया है। तो ये वाला कैमरा आजकल बहुत ही ज्यादा चल रहा है। बहुत तो फॉरेनर्स ने ये वाला कैमरा सजेस्ट किया है और बहुत ही इंडियन यूट्यूबर भी ये वाला कैमरा उन लोगों को बहुत पसंद आया है। वैसे मुझे बहुत गर्मी लग रही है, पता नहीं मैंने क्यों पहन लिया। अभी तक मैंने इसको खोल के भी नहीं देखा है। वैसे दुकान के लोगों ने तो ऑलरेडी इसका इनोवेशन कर ही दिया है। सो अब क्या करूं, इंडिया में सब खोल खाल के ऐसे ऐसे करके दिखा देते हैं तो वहां पर ही सारे एक्साइटमेंट का इसकी तरफ थोड़ा ध्यान देते हैं। सो पहले मैं इसको यहां से खोलती हूँ। मैनुअल्स, बबल रैप, इतना प्यारा दिखने में है गाइस, बहुत ही प्यारा सा, एकदम सेक्सी सा दिखने में है। एक्चुअली मुझे इसका ना व्हाइट वर्जन जो है वो मुझे चाहिए था एक्चुअली, लेकिन इंडिया में व्हाइट वाला अवेलेबल नहीं है। अगर आपको व्हाइट वाला चाहिए उसके लिए आपको अमेजोन में ऑर्डर करना पड़ेगा और वहां आपको ये वाला कैमरा मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 1,40,000 समथिंग में। मतलब 50,000 का कैमरा आपको मिलेगा 1,40,000 में, वो भी अमेजोन पे अगर आप ऑर्डर करते हो। तो मैंने अपना ड्रीम छोड़ दिया, छोड़ो व्हाइट नहीं चाहिए, ब्लैक से ही काम चला लेते हैं। तो यहां से खोलते हैं, मैं यहां से ब्लॉक कर सकती हूँ आराम से। यू कैन सी ये कितना प्यारा है। तो ये मेरा लाइफ का सबसे एक्सपेंसिव, अब तक का सबसे एक्सपेंसिव बाय में से एक है। So, ये जो M50 का कैमरा है ये ब्लॉगिंग के लिए एकदम परफेक्ट है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बहुत सारे मैनुअल्स हैं जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। यहाँ पे बहुत से बटन हैं जिसके बारे में भी मुझे बहुत ही थोड़ा सा ही मालूम है। सो हम लोग इसका डेमो करेंगे, लेकिन उससे पहले इसका लेंस मैं आपको दिखाऊं। सो यहाँ पर है ये है इसका लेंस, ये है इसका ढक्कन। तो ये एक मिररलेस कैमरा है और इसका जो चीज है वो है 15-45 है। सो 15 होने की वजह से ये ब्लॉगिंग में आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि अगर आप ऐसे कैमरा को रख के शूट करोगे सो कुछ भी कोई भी लेंस चलेगा, लेकिन 15 होने की वजह से आप जब कैमरा को ऐसे हाथ पे ऐसे पकड़ोगे तो आपका पीछे का जो बैकग्राउंड है वो ज्यादा ये कवर करेगा, जैसे कि फोन का कवर करता है। फोन अगर ऐसे पकड़ेंगे तो पीछे का आपका जो एरिया है बहुत सारा कवर होता है, लेकिन कैमरा में ऐसा नहीं होता, थोड़ा छोटा हो जाता है। लेकिन 15 लेंसेस होने की वजह से ये बहुत सारा एरिया भी कवर करेगा आपके पीछे, तो यही अच्छी बात है। और इसके अंदर मुझे मिला एक स्ट्रैप कैनन का। इसके अंदर मिला है ये चार्जर, ये चार्जर है, चार्जर केबल। मिला है मुझे बैटरी, और बैटरी की जो इमेज है वो मैं आपको बता दूं, ऐसे कवर मिला है इसके अंदर। इसका इमेज है 875, आपको नहीं दिखेगा यहाँ पर, बट इसका बैटरी लाइफ बहुत ही कम है। यही कैनन का जो M50 है इसका एक ड्रॉबैक यही है कि इसमें बैटरी बहुत कम है। आपको इसके अंदर एक SD कार्ड भी मिलता है जो कि 16 GB का है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आप इसको थोड़ा फिट कर लेते हैं। सो
यहाँ पर एक नॉक दिया गया है, इसको ऐसे ओपन करके ऐसे घुमाने से ये खुल जाएगा। ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव मैंने एक कंप्यूटर खरीद लिया। यहाँ पर दिया गया है बैटरी लगाने का स्लॉट, तो दोनों लग गया, इसको बंद कर देते हैं। परफेक्ट। सो 1 2 3 ये ऑन हो गया। वाह, ओह ऊपर से इसमें टच स्क्रीन भी है, सो आप लोग इसको टच स्क्रीन की मदद से भी कुछ भी कर सकते हो। मैंने जिस दुकान से मैंने इसको खरीदा है उसका अभी आप लोग एक क्लिप देखने वाले हो। अगर ये फोटो अच्छा नहीं आया तो डिलीट करने के लिए ऑल डिलीट करने के मेनू ऑप्शन राइट क्लिक, ओके ऑल इमेज इन, ओके फिर मेनू राइट, ये है सिंपली ऑटो मोड, कैमरा ऑटोमेटिक काम करेगा। ग्रेट ईस्टर्न ट्रेडिंग कंपनी, मेरा नाम संजीव, मेरा फोन नंबर है 8910655097। कोलकाता, एनी टाइम कलकत्ता, एनी टाइम कैमरा का कोई प्रॉब्लम हो या कोई भी जानकारी हो तो प्लीज़ मेरे साथ बात कर सकते हैं आप। कोई भी डेमोंस्ट्रेशन के लिए ज़रूरत हो तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी, थैंक यू। चलिए इससे थोड़ा सा वीडियो करते हैं और डेमो देखते हैं कि कैसा होता है। सो इसमें ऑटो फोकस भी है। ओह माय गॉड, सो पिंकिश, लुक्स रियली नाइस। हाय, वाओ, जस्ट लुक एट दिस क्वालिटी गाइस, जस्ट लुक एट दिस क्वालिटी, इट्स ह्यूज। ये मेरे फेस को ही फोकस कर रहा है, ये देखिए वो फोकस हो गया। हाँ अभी हैंड को फोकस कर रहा है। ओ माय गॉड, ये मेरे हाथ को फोकस कर रहा है, देखते कहाँ तक फोकस करता है। ठीक है, जस्ट लुक, ये कितना अच्छा फोकस, ओ माय गॉड, ये कितना जूम तक फोकस कर रहा है गाइस, और बहुत ही क्विक फोकस है इसका। वाओ, व्हाट अ कलर्स, सो मैं इसको थोड़ा जूम करती हूँ मेरे आंखों पे। आई एम लुकिंग सो क्यूट। सो अभी हम लोग टेस्ट करने वाले हैं कि लो लाइट ये कैसे लगता है। अभी तो घर पे एक ये लाइट जल रहा है, ये वाला लाइट जल रहा है, और इधर भी एक लाइट जल रहा है, और इधर भी एक लाइट जल रहा है। सो लाइट को बुझा के देखते हैं कि कैसा होता है। ठीक है, तो लाइट को ज़रा बुझाओ तो देखते ये कितने जल्दी लेती है। वाओ वाओ, Awesome. Oh. इसका जो एक पिगमेंट है, इसका जो एक रिचनेस है, वो अलग ही दिख रहा है मुझे। सो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा ये वाला कैमरा। ऑसम ऑसम, लेट्स सी, अभी ये लो लाइट में ही है। ठीक है, सो इस कैमरा का कुछ सैम्पल्स हैं, ये बोके इफ़ेक्ट भी बहुत अच्छा ले रहा है, और माइक्रो शॉट्स भी बहुत ही अच्छे हैं, लो लाइट भी बहुत ही अच्छा है। ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लगा, ऑटो फोकस तो इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा है।
आप देख सकते हो कि लो लाइट में भी ये इसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। हल्का फुल्का ग्रेन आ रहा है लेकिन ओवरऑल इसका परफॉर्मेंस मुझे पसंद आया। इसको अभी हम बंद करते हैं। सो बंद करने के लिए यहाँ पर एक नॉक दिया गया है। वैसे तो आप अगर ऐसे घुमाते रहोगे तो ये बिल्कुल भी बंद नहीं होगा। इसको क्लिक करके पुश करके ऐसे घुमाना पड़ेगा, ऐसे करके ऐसे, तो ये लॉक हो जाता है। और हाँ, इसके साथ हमको दिया गया है ये एक कैमरा का बैग जो बहुत ही बड़ा है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया लेकिन क्या करें, मतलब ये बहुत ही बड़ा है। अंदर से मैं आपको दिखा देती हूँ, रेड कलर का है। ओवरऑल दिखने में अच्छा है, ऐसा नहीं अच्छा नहीं है। तो वो लोग छोटा दे सकते थे लेकिन छोटा नहीं था उन लोगों के पास, तो बड़ा ही थमा दिया। सो एनीवे, मुझे बहुत ही मजा आया इस प्यारे से कैमरा को अनबॉक्सिंग करके। मुझे ओवरऑल इसको मुझे बहुत ही पसंद आया ये वाला कैमरा। आई होप आपको भी पसंद आया होगा। M50 ब्लॉगिंग के लिए एकदम परफेक्ट कैमरा है। आप लोग अगर कोई भी कैमरा ऐसे ब्लॉगिंग के लिए खरीदना चाहते हो तो मेरे लिए एकदम थम्स अप है। ये बहुत ही लाइट वेटेड है। एक्चुअली मिररलेस कैमरा हमेशा लाइट वेटेड होता है और ब्लॉगिंग के लिए एकदम परफेक्ट होता है। और ऐसा नहीं है कि आप इसका कोई फोटोग्राफी नहीं कर सकते, ऑब्वियसली इसमें फोटोग्राफी भी बहुत अच्छा हुआ। लो लाइट एकदम, अगर लाइट ऑफ होगा तो शायद नहीं काम करेगा, लेकिन थोड़ा भी लाइट इसको अगर मिल जाएगा तो तब भी एक अच्छा फोटो क्लिक कर रहा है। प्रोफेशनल्स के बारे में मुझे नहीं पता लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मेरा फर्स्ट कैमरा है सो ऑब्वियसली मुझे अच्छा ही लगेगा। सो यार गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा और मेरा जो ये प्यारा सा कैमरा है ये भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। सो वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर मेरे चैनल में नए हो तो। सो या, बाय बाय एंड लव यू गाइज़।